उम्र भले ही छोटी हो, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। अरे भाई, मेहनत करना क्यों जरूरी है? भाई क्योंकि जब तक हम खुद को खर्च नहीं करेंगे, तब तक लोग हमें गूगल पे सर्च नहीं करेंगे। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, के चोट लगे और आंखों में पानी भर लूं, इतना वक्त कहां है? किसी पर दिल खोल कर मर लूं, इतना वक्त कहां है? अभी तो माँ बाप का एक भी सपना पूरा नहीं हुआ, तुम कहते हो आराम कर लूं, इतना वक्त कहां है? ये क्या है बे? सपना है पर एक दिन सच होगा। मतलब देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है? देखिए घंटे मैटर नहीं करते, कोई 17-18 घंटे हमें नहीं पढ़ना है, उतना हम पढ़ भी नहीं सकते। एक दिन पढ़ सकते हैं, दूसरे दिन नहीं पढ़ पाएंगे। 5-6 घंटे ही आपको देने हैं या उतने निकालने हैं, पर वो जो वक्त आप अपनी पढ़ाई को देते हो, वो कंसिस्टेंटली आपको रोज उतना ही अपने पढ़ाई को देना है। कंसिस्टेंसी इज द की, दैट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको। बैठे हैं चैन से, कहीं जाना तो है नहीं, हम बेघरों का कोई ठिकाना तो है नहीं। वो जो हमें पसंद है, कौन है, कैसा है, क्यों पूछते हो? हमने बताना तो है नहीं। लोग अक्सर कहते हैं कि कुछ अपने बारे में बताओ, तो मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, लेकिन जब मैं निभा नहीं सकती, मैं वो वादा नहीं करती हूँ, मैं बातें औकात से ज्यादा नहीं करती हूँ। आसमान को छूने की तमन्ना तो रखती हूँ, लेकिन किसी को गिराने का। मस्ती करने की उम्र में हमें मंजिल की बेताबी है, अजी मस्ती की उम्र में हमें मंजिल की बेताबी है। मुझे किसी से मिलने में दिलचस्पी नहीं, मेरी खुद से मुलाकात काफी। जब रास्ते पे अकेले चलना शुरू किया था तो बहुत नफरत थी मुझ में, पर अब जो थोड़ी दूर आ गया हूँ तो ना कोई अच्छा लगता है ना कोई बुरा लगता। जब हवाओं में इश्क होता दिखाई देने लग जाए, तब समझ जाना सुकून का रास्ता शुरू हो गया। उन रंगों से तूने मिलाया, जिनसे कभी मैं मिल न पाया, दिल करता है तेरा शुक्रिया फिर से वहां।